हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नेट डिजाइन कैसे बनाएं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने ब्लाउज कट कर लिया है। ये मैं ब्लाउज आइनिंग करा रही हूं, हमारा ब्लाउज कॉटन का है इसलिए। और देखिए, हमने पट्टियां कट कर ली हैं डिजाइन के लिए अलग से। देखिए, ब्लाउज की जो लंबाई हमने 14.5 इंच ली है, शोल्डर 6 इंच लिए, मुंडे भी 6 इंच लिए, उसमें हमने 1.5 इंच की गुलाई दी है। और देखिए, हम ये पत्ती साइज का ना रहे, शोल्डर से 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इसकी जो लंबाई लेंगे वो 9 इंच लेंगे। हम इस तरह से शेप देंगे। देखिए, इस तरह से सेम इसे हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से, और इस सेम पैटर्न के मैं कैनवास और नेक पट्टी कट करूंगी। देखिए, इस तरह से मैंने पट्टियां कट कर ली हैं। देखिए, इसकी चौड़ाई लिए हमने 1.5 इंच लिए और इसकी जो लंबाई लिए वो 2 इंच हमारी। तो देखिए, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और एक साइड हम सिलाई करेंगे बस, और पलट देंगे इसे अंदर। देखिए, इस तरह से मैंने सारी पट्टियां कट कर ली हैं। और देखिए, सेम पैटर्न के मैंने कैनवास और नेक पट्टी कट कर ली। कैनवास की चौड़ाई हमने 1 इंच ली है और नेक पट्टी की चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। देखिए, नीचे मैंने नेक पट्टी रखी है, उसके ऊपर कैनवास रखी है और इसमें जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था, इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने नेक पट्टी तैयार कर ली है। ब्लाउज में अटैच करेंगे इसे हम। देखिए, नीचे मैंने ब्लाउज रखा है, उसके ऊपर नेक पट्टी रखी है, इस तरह से सेट करते हुए पूरे में सिलाई करेंगे हम। देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है, इसे फोल्ड करेंगे अंदर, सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई कर दी और नीचे फिनिशिंग दे दी मैंने। देखिए, जो हमने पट्टियां कट की थी, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए, हाफ इंच इस साइड फोल्ड करेंगे, हाफ इंच इस साइड और इस साइड यहाँ पे सिलाई कर देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने तैयार कर लिए और इसे इस तरह से बीच में धागे से गांठ लगाएंगे इसमें बीच में। देखिए, इस तरह मैं साड़ी तैयार कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह से मैं साड़ी तैयार कर ली है। पट्टियां हमने तैयार की है, इस तरह से पूरे राउंड शेप में लगाएंगे। देखिए, इस तरह से मैंने पूरे राउंड में लगा दी। अब यहाँ पे भी सिलाई करेंगे।
ये इस तरह से मैंने पूरे में सिलाई कर दी है और नीचे भी सिलाई कर दी है। और ये हमने गोल्डन कलर की लेस ली है, इस तरह से पूरे में लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैं लेस लगा दी, अब सेम नीचे भी लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड लेस लगा दी। देखिए ये हमने छोटे छोटे गोल्डन कलर के मोती लिए और देखिए बीच में लगाएंगे मोती इस तरह। देखिए इस तरह से मैंने पूरे मोती लगा दिए, तो देखिए हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है ब्लाउज का। इस आसान तरीके से भी सुंदर सा डिजाइन बना सकते हैं ब्लाउज के लिए। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी।